तो मेरा मन किया है ऊपर देखता हो मैं तो जब मैं ऊपर देखा आई सो फोर सेकेंड्स के लिए एक लेडी ऊपर से देख रही है मुझे डीमंस वो लोग हैं जो कभी इनकारनेट नहीं हुए अर्थ पे एंड नेवर वॉक ऑन अर्थ ओके डीमन केम फ्रॉम सम अदर डायमेंशन जिस वॉल पे हमने मेरी दादी का तस्वीर लगाया है उस वॉल में से एक औरत बाहर निकल रही है शी इज वेरिंग कम्पलीटली ब्लैक साड़ी एंड पूरा ऐसा ढका हुआ है उनका चेहरा वगैरह बस उनके हाथ दिख रहे हैं एंड वो हाथ पूरे जले हुए हैं एनिलिस मिशेल में जो डीमंस थे वो लोग बहुत फेमस फेमस नाम ले रहे थे डीमंस मतलब एक से ज़्यादा डीमंस, एक से ज़्यादा कुछ सिक्स से सेवन डीमंस थे उनके अंदर एनिलिस मिशेल के अंदर जो चांटिंग जिस तरह से आ, हनुमान चालीसा बनाई गई है हमारे पुराने ऋषि या कि जिस किसी ने भी बनाई है ठीक है इस तरह से बनाई है कि ये ये पार्ट आने के बाद वो एंटिटी डिस्टॉर्ट होते रहेगा मतलब वो डिस होते रहेगा हमारी सृष्टि में आज भी कई सारी चीजें ऐसी है जो हमारे ह्यूमन कॉन्शियसनेस से परे है कुछ चीजें ऐसी है जो हमें दिखाई नहीं देती पर फिर भी एग्जिस्ट करती है नमस्ते जय हिंद मेरा नाम है जय और यह है दरा मुसाफिर शो एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ हम बात करते हैं भारत के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की आज मैं बात कर रहा हूँ नीरज सिंह से जो कि एक अरहाटिक योगी है डिस्टेंट हीलर है प्राणिक हीलर है और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर है नीरज एक क्लेयर वॉइंट है क्लेयर वॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास में सुपर नेचुरल अबिलिटीज होती है फ्यूचर के इवेंट्स को देखने की या सुपर नेचुरल चीजों को देखने की इस एपिसोड में हम बात करते हैं कि डीमन्स आपकी बॉडी को पजेस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं हम कुछ घो स्टोरीज के बारे में बात करते हैं हम एनालिस्ट मिशेल के बारे में बात करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इस एपिसोड में हम ये डिस्कस भी करते हैं कि किस तरह से हनुमान चालीसा एक सुपर एंटिटी को डिसइंटीग्रेट कर सकती है आई होप सो यह एपिसोड आपको पसंद आएगा डो हिट द लाइक बटन डो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वॉच द एपिसोड

क्या सच में होता है मतलब ये बहुत वियर्ड okay. सा बेसिक रॉ क्वेश्चन है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल बिलीव नहीं करते okay. तो एक्टिविटीज क्या सच सच में में होती है भूत प्रेत होते हैं ओके okay. so, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊ कि अब जैसे बताया अपने कि कोई लोग ज्यादा ही मानते हैं और कुछ लोग बिल्कुल मानते नहीं ओके okay? ये दोनों ठीक है एग्जैक्टली exactly. अः बात उनकी अजीब हो जाती है जिनके सामने पेश करके भी सबूत पेश हो जाने के बाद भी मानते नहीं है ओके स्केप्टिक्स आर टोटली फाइन लाइक यू नो बीइंग अ लाइक अगर कोई स्केप्टिक है मैं मैं तो नहीं हूँ uh, कोई स्केप्टिक है ठीक है तो इट्स टोटली फाइन बिकॉज स्केप्टिक्स आर ओपन फॉर द पॉसिबिलिटीज ओके लेकिन जो uh, दूसरे होते हैं जो उनका ऐसा है कि अगर दिखा फिर भी वो लोग ऐसा खुद को कन्वेंस करेंगे कि ये हो ही नहीं सकता हुँ. वैसा सो लाइक इवन लाइक मैं भी कभी स्केप्टिक था ओके okay? Uh, तो कुछ चीज़ें हुई तो जिसके वजह से आपको ये बाहर तो uh, आप बता सकते हो क्या चीज़ें हुई थी जिसके वजह से आपका मतलब पर्सपेक्टिव चेंज हुआ यस सो जय सबसे पहले बात तो ये थी कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा आई डोंट नो कैसे बट बहुत ज़्यादा पैराम के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा मैं जा रहा था हुँ. और आसपास कुछ बचपन से आसपास भी वैसे ही चीज़ें कान पर पड़ रही थी ओके सो इट्स लाइक की बचपन से ही मतलब वो बता रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लगता like, okay? so, है यहाँ पर ये यह हुआ वहां पर हुआ हमारा बिल्डिंग हॉन्टेड है कभी कभार ऐसा होता है हमारा बिल्डिंग का टेरिस हॉन्टेड है ओके सो फिर कभी कभार जहाँ पर मैं रहता था वहां के बहुत सारी स्टोरीज आती थी कि या अंकल ने ये देखा या आंटी ने वो देखा टेरिस पे ये देखा ये टेरिस पे वो देखा वगैरह वगैरह लेकिन मेरे को फिर ऐसा लगता था कि यार इतना सारा बात हो रहा है या नहीं सच हो इतने लोग बोल रहे हैं ठीक है तभी उम्र बहुत छोटी थी तो ऐसा लग रहा था कि सब लोग बोल रहे तो सच होगा पर वहाँ पर मुझे ये दिमाग लगना चाहिए था कि सबको सब लोग बोल रहे हैं इसका मतलब वो सच नहीं हो सकता है ऐसा नहीं है बट फिर जब मेरा एक्सपीरियंस हुआ तो फिर <laughs> <laughs> वो भी फिर सच्चाई में बदल गया जो भी मेरा शक था उनके ऊपर ओके ओके सो बेसिकली एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ मैं जहाँ पर आ, जो हुआ था खुद मेरे बिल्डिंग के टेरिस पर ओके okay? सो so, हमारे कॉलोनी में गरबा डांडिया वगैरह होता था नवरात्रि के वक्त और मुझे वो ऐसा नया नया कॉलोनी में शुरू हुआ था तो मुझे भी ऐसा नया नया ऐसा लाइक जोश था कि लाइक अरे लाइक मज़ा आ रहा है ये सब खेल खेलने में वगैरह सो so, मैं भी चाहता था मैं कुछ लाइक थर्टीन या फोर्टी फोर्टीन ईयर्स का रहूँगा मैं शायद सो so, और खेलने जाता था और रात रात तक खेलता था एक बजे तक और मेरे पेरेंट्स भी कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि वो ठीक मेरे बिल्डिंग के नीचे ही होता था सो लाइक माई मॉम इज़ देर कि मतलब मेरे को मम्मी उधर थी और बिल्डिंग से मतलब घर से देखते थे कि हाँ ये नीचे ही खेल रहा है कोई इशू नहीं है तो मम्मी भी अलाउ करते थे कि लाइक यू नो यू प्ले लाइक एज मच यू वॉन्ट तो मैं खेल कर रात रात को आता था फिर एक बार क्या हुआ कुछ लास्ट डे था तो ज़्यादा देर तक था कुछ दो बजे तक था वो तो मैं पूरा खेल कर मैं घर पे गया घर पे गया और मैं खाना खा रहा था और टीवी देख रहा था फिर जब नींद आ रही थी मैंने बोला कि लाइक मुझे लाइक मम्मी को मैंने पूछा कि मेरा ब्लैंकेट कहाँ पर है मम्मी ने बोला टेरिस पे करके कर जाकर लेके आ

लगता है कि हाँ कोई तो फिर है ऊपर भाई हुँ। तो फिर मैं सोचा कि कुछ नहीं यार जाना पड़े जाता हूँ ऊपर तो फिर जब मैं एक बार फिर मैं मैं मतलब खुद से ही ऐसा कन्विंस कर रहा था खुद को कि लग चल जाते हैं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा वगैरह फिर मैं अपने गैलरी में गया बालकनी में फिर मैंने देखा कि यार लोग नीचे है हैपनिंग है पूरा नीचे बिल्डिंग के नीचे मैं क्यों डर रहा हूँ और जब मैं लोगों को देखा नीचे बोला तो मेरा डर निकल गया इतने सारे लोग हैं क्या कुछ नहीं है तो अकेला नहीं हूँ मैं सो मैं गया ऊपर गया मैं चादर लेने के कोशिश में मैं गया ऊपर मेरे को चादर नहीं मिल रही है ठीक है तो मैं ऊपर ढूंढ रहा हूँ चादर मैं टेन फिफ्टीन मिनट्स ऊपर ही था मैं एक्चुअली ओके okay? मैं चादर ढूंढ रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ कुछ मिल ही नहीं मतलब 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 मम्मी भूल गई कि वो लेकर <laughs> आ गई है नीचे फालतू तो में राउंड हो गया मेरा ऊपर लेकिन फिर जब ऊपर गया मुझे डर नहीं लगा मैं बोला यार डरने का ज़रूरत नहीं था फिर जब मैं नीचे आ रहा था तो देखो मैं टेन मिनट्स ऊपर टेन फिफ्टीन मिनट्स में ऊपर था कोई था नहीं और कोई क्या करेगा रात को ऊपर जाके सब तमाशा तो नीचे चल रहा है बिल्डिंग के नीचे तो मैं जब फिर मैं जब घर जा रहा था और मेरा आ, रूम था सेकेंड लास्ट फ्लोर पर ओके तो मतलब उसके ही ऊपर टेरिस है फिर तो मैं जब नीचे जा रहा था मैं जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था मेरे साथ साथ स्टेप्स रिपीट हो रहे थे पीछे ओके ओके सो वो मुझे डरा रहे थे वो उस टेस्ट मुझे मुझे डर लग रहा था तो मैं कभी कभार टेस्ट कर रहा था कि आ, फास्ट फास्ट लाइक उतर के देखो कोई सचिव में रिपीट कर रहा है तो मैं बोला फास्ट उतर के देखा सभी कोई फास्ट फास्ट मेरे भी पीछे उतर रहा है ठीक है बट फिर मैंने वहाँ पर डर को भगाने के लिए अपना साइंस यूज़ किया कि ये बिल्डिंग है एको हो सकता है ओके okay? और वेरी पॉसिबिलिटीज बहुत पॉसिबिलिटीज है कि एको हो सकता है तो मैं बोला नहीं ये एको है भाई ये कोई पैरानॉवल नहीं है कुछ बट फिर जब मैं नीचे आया तो मैं कुछ अपने दरवाजे से दूर था तो मुझे ऐसा कान में मतलब जैसे जास ब्रीथ कोई लिया है ब्रीथ के साथ हवा भी एक ऐसा हुँ। ऐसा हवा पास हुई मेरे कान के यहाँ से तो थोड़ा जर्क हुआ थोड़ा मैं जर्क ऐसा एक जॉल्ट जैसा एक बॉडी में फील हुआ मतलब भाई क्या था ये ठीक है मैं पीछे देखा कुछ नहीं था वगैरह बट पता नहीं ये कहा से मैसेज आया क्या आ गया मुझे अंदर से फील हुआ कि ऊपर देखना कौन है करके पता नहीं अभी कोई सेंस बनता नहीं क्योंकि मुझे आया सब कुछ बद, बगल से लेकिन मेरा मन किया टेरिस पे कि ऊपर देखो हाँ वैसा तो मेरा बिल्डिंग का जो स्टेयर्स होते हैं ना वैसे सर्कल स्पाइरल में थे कि तुम टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर भी देख सकते होके और ग्राउंड फ्लोर से ऊपर भी देख सकते हो ऐसा दिखता है क्योंकि जब स्पाइलर स्पाइरल है तो बीच में गैप होता है ना राइट right. बिल्डिंग के तो मेरा मन किया है ऊपर देखता हूँ मैं तो जब मैं ऊपर देखा आई सो फोर सेकेंड्स के लिए एक लेडी ऊपर से देख रही है मुझे <laughs> और वो इस एंगल में थी कि वो वेट ही कर रही है कि अब ये देखेगा करके एंड मतलब इट वाज नॉट समवन आपके बिल्डिंग से कोई नहीं था मैंने तो उसको कभी देखा नहीं है एक्चुअली okay. मेरे बिल्डिंग में पूरे इंटायर कॉलोनी में मैंने उसको देखा नहीं Uh, हाँ तो जब मैंने उसको देखा और उस, जब मैं डर गया मैं ठीक है वहां पर अजीब चीज ये हुई कि वहां पर डर रिएक्ट होने में मुझे टाइम लगा हुँ. मतलब अगर समझो तुम तुम्हारे पीछे कुत्ता भागे तुम दो सेकंड में रिएक्ट करने के भागने लगते हो मुझे यहाँ पर चार पांच सेकंड लगे डर को बॉडी में मैनिफेस्ट होने के लिए मतलब जैसे कि मैं फ्रीज हो गया था फिर जब बॉडी में मैनिफेस्ट हुआ ना डर तो आ, वो जो भी था ऊपर उसने सा अपना आ ऐसे बड़ी कर दिया okay. तो फिर मैं अंदर रश कर दिया फिर घर पे yeah. <laughs> तो वो मैंने इंसिडेंट घर पे बताया yeah. मैं मेरी मम्मी ने बिलीव किया क्योंकि मेरी मम्मी वगैरह सब बिलीव करती है तो मम्मी okay. ने मुझे बिलीव किया ऐसा वगैरह तो उसके बाद मैं टेरिस पर रात को तो नहीं जाता था yeah. मैं तो so, ये सबसे पहला इंसिडेंट था बस से शुरुआत हुई कि कि हाँ ये सिर्फ लोगों का ऐसा ही बोलना नहीं है लेकिन hmm. यहाँ पर ये भी बात होती है जाए कि आ, बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है बहुत लोगों तक पहुँच जाती है और वो झूठ रहती है एक्चुअली hmm. बात लेकिन जब किसी ने देखा है तो वो कैसे फिर इनकार कर सकता है ट्रू hmm. बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा इसके बाद कि स्पिरिट्स एक्चुअल में मतलब होता क्या है जब आप, आप किसी भूत को देख लो आई एम श्योर कि भूत में भी अलग अलग टाइप्स के भूत होते होंगे तो इसके ऊपर अगर आप लाइट डाल सको कि किस कितने तरह के भूत होते हैं एंड क्या उनका नेचर होता है किस तरह से वो बिहेव करते हैं ओके okay, सो so, भूत कैसे कोई मतलब टाइप्स नहीं होता वो उनकी मेमोरीज होती है वो मेमोरीज के वजह से वो वैसे हो जाता है ओके okay? okay. मतलब व्हाट आई वॉन्टू आज किसकी जैसे फॉर एग्जांपल सोल एक चीज़ हो गई बट डीमेंस अलग चीज़ हो जाते हैं यस ओके ये क्वेश्चन uh, क्वेश्चन अच्छा था जय सो so, uh, मैं इस पर मैं आंसर देता हूँ सोल वो होता है जो कभी अर्थ पर इनकारनेट हुआ है दे वॉक ऑन अर्थ बिफोर ऑलरेडी डीमंस वो लोग हैं जो कभी इनकारनेट नहीं हुए अर्थ पे एंड दे नेवर वॉक ऑन अर्थ ओके डीमन केम फ्रॉम सम अदर डायमेंशन कंट्रोल यू फ्राम अनदर डायमेंशन मे बी पजिस्ट फ्रॉम अदर अनदर डायमेंशन वैसा so, वो लोग कभी अर्थली बिंग्स नहीं है नहीं है वो ना okay. कभी थे ओके okay. तो मतलब मतलब कोई सोल डीमन डीमन में चेंज नहीं नहीं हो हो सकता मतलब बन नहीं सकता बन डीमोनिक उसके हरकते हो सकती है लेकिन उनका डिमोनिक पोजेशन करने का उनका क्या ओके सो okay. so, मैं यहाँ पर कुछ एक अलग टच देता हूँ मैं आ, तुम्हारे क्वेश्चन को कि, कभी डीमन... खुद से पोजिश नहीं करते तुम्हें ये हमारी ही गलती होती है जो हम उन्हें दावत देते हैं ये हमारी ही गलती रहती है जो हम उन्हें दावत देते हैं जैसे कि लाइक प्लेइंग ओइज़ा बोर्ड अलोन लाइक डीमन को समान करना और uh, कुछ कुछ रिचुअल्स अलग अलग ट्राई करना ओके okay. सो हम ही है जो लाइक यू नो उनको वेलकम करते हैं खुद से नहीं आते वो लोग खुद से कभी लाइक like, एंटिटी तुम्हें नहीं करेगी खुद से या तो तुम्हारी गलती है इस वजह से तुम्हें डिमोनिक पोजिशन है या तो कुछ तुम्हारे फैमिली uh, में हो रहा है ओके okay? तुम्हारी गलती नहीं है पर तुम्हारे फैमिली वाले कुछ तो कर रहे हैं अभी जैसे कि एक मूवी है uh, सो so, वो जो उसमें जो विक्टिम सन्स एंड डॉटर होते सन एंड डॉटर होता है वो डिमोनिक पोजिशन के विक्टिम हो जाते हैं बट उन्होंने तो कुछ किया नहीं रहता है बट बात ये रहता है कि उनके फैमिली सेटनिस्ट uh, रहती है जिनके वजह से उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है ओके okay. वैसा सो so, कभी कभार तुम वेलकम नहीं करते हो पर आ जाते हैं उसका रीज़न ये है या तो तुमने गलती किया है कुछ तो तुमने कुछ तो उंगली किया है लाइक बुला कर करके वगैरह या तो तुम्हारी फैमिली कर रही है कुछ तो कोई तो कर रहा है या तो कोई ब्लैक मैजिक के द्वारा भेज रहा है ओके okay. मतलब सब तो बेसिकली ब्लैक मैजिक के थ्रू आप डीमंस को कंट्रोल कर सकते हो yeah. वो तो ब्लैक मैजिशियंस को पता है कि लाइक वो लोग कंट्रोल करते हैं या सिर्फ भेजते हैं लोग okay. उनको पता है ओके okay. okay. क्योंकि मैं एक फ़िक्शन बुक पढ़ रहा हूँ इट्स कॉल्ड तंत्रिक्स ऑफ ओल्ड आ, काफी इंटरेस्टिंग बुक है जो भी देख रहा है उन्हें भी पढ़नी चाहिए फिक्शन बुक है तो उसमें इट्स अबाउट तांत्रिक किस तरह से कंट्रोल करते हैं को and, आ, को एंड हिटमैन की तरह यूज करते हैं वो तो काफी इंटरेस्टिंग बुक है एंड आपने आ, एक चीज आपको याद है शायद आपके बचपन में स्कूल वगैरह में ये अफवाह फैली होगी कि ब्लडी मेरी करके एक अफवाह थी तो मेरे स्कूल में बोलते थे कि रात को तीन बजे अपने वॉशरूम के मिरर के सामने जाके कैंडल लेके खड़े रहना और तीन बार ब्लडी मैरी बोलना तो आ जाएगी तो सच में ऐसी कोई चीजें होती है Look, these all are urban legends, okay? urban legends कभी सच सच नहीं 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 है है कोई क्योंकि वो पर like, you know, लोगों का intelligence उतना नहीं था और कि मतलब इसको scientifically कैसे हम डिसमेंटल करके बताए और डिसमेंटल करके खुद को कन्विंस करे कि ये और जो भी है ये थ्रुत नहीं है ओके okay? अर्बन नहीं हुआ है कभी

एटलीस्ट uh, हिंदूज में तीन गण होते हैं मनुष्य मनुष्यगण देवगण और राक्षस गण बहुत सुना है हाँ सो <laughs> so, uh, उसका बेसिकली बोलना ये रहता है कि जो राक्षस गण में उनको पैरानॉर्मल जो चीजें हैं उसमें ज्यादा मतलब उनके एक्सपीरियंसेस होंगे देवगण में जो गॉडली जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो होंगे और जो मनुष्य गण में उनको दोनों एक्सपीरियंस वो मोस्टली ये सुना तो ये सच में होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनका मतलब उनका नेचुरली जो उनके टेंडेंसीज है वो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं देखो ये जो बात है ठीक है कि राक्षस गण और देवगन वगैरह ठीक है ये वैरी होता है तुम्हारे जोड़क साइन पर भी होता है ये लाइक ये सब कनेक्टेड है एस्ट्रोलॉजिकली ये सब कनेक्टेड है ओके okay? मतलब जो एस्ट्रोल एस्ट्रोलॉजिक लाइक इवेंट्स में तुम इनकारनेट हुए हो ठीक है जो आ, वो प्रॉपर टाइम में तुम इनकारनेट हुए हो कुंडली वगैरह ये सब बनती है ठीक है ये सब सच है है ठीक है सो so, उसके अकॉर्डिंग तुम आ, या तो साइकिक like, you know, रहते हो ओके okay? वैसे साइकिक तो सभी रहते हैं ओके okay? बस फर्क इतना होता है कितने डिग्री है तुम्हारा साइकिक ओके वैसा सो so, ऐसा नहीं है कि ये राक्षसगन है तो इसको सिर्फ लाइक यू नो ये इजीली कांटेक्ट कर सकता है और

इनकारनेट यानी सीधी बात है बर्थ बर्थ लेना ठीक है वो कोई ऐसा मतलब स्पेशली स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है वो ओके okay? इनकारनेट होना यानी जन्म लेना ओके सो इनकारनेशन होता है री होता है ओके okay? सो so, वैसे बहुत सारे लोग री हुए हैं जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक सेंट थे जो नाइन्टीज में ही थे वो काफ़ी प्रचलित लाइक बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे नीम करोली बाबा नाम हाँ। सर वो उनके उनको लाइक जो बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल बींग्स है जो अभी भी है वो बोलते हैं कि वो सेंट जर्मेन के सेंट uh, जर्मेन के रे इनकारनेशन है वो ओके okay. वैसा एंड सेंट जर्मेन बहुत पुराने सेंट है वो बहुत पुराने और इसराइल और जरूसलम या तो साइड के ओके okay. वैसा वो उनके इनकारनेशन है वाह wow. इंटरेस्टिंग तो ये चीज के ऊपर हम एक सेपरेट पॉडकास्ट कर रहे हैं <laughs> मैं सर यहाँ पे एक छोटा सा प्लग इन डाल रहा था उसके लिए कमिंग बैक टू द दैरान साइड तो yes. बहुत सारे जो पैरानामल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं हम देखते हैं उनके पास में भी कुछ डिवाइस होता है फिर ई एम एफ डिस्टर्बेंसेस वो चेक करते हैं okay. uh, आपका क्या तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन करने का ओके सो मोस्टली ना जय देखो मैं ना बहुत ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन पे गया हूँ ठीक है ऐसा नहीं है आ, बहुत कम गया क्योंकि हाफ टाइम ही लाइक पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ मैं और फुल टाइम लाइक करने का लाइक like, कभी सोचा नहीं है आगे होगा तो होगा इट्स टोटली फाइन नहीं होगा तो नहीं होगा फिर भी चलेगा मुझे क्योंकि खेलेंगे खिलेंगे नाराटिक योगा तो है मेरे पास वैसा आ, तो आ, जैसे कि मेरे पास डिवाइस नहीं है लाइक मैं इसको एज ए फुल टाइम नहीं ले रहा हूँ जो मैं डिवाइस नहीं बाय कर सकता अभी बट यस विदाउट डिवाइस तुम कैसे कम्युनिकेट कर करते, करते हो वगैरह ये अगर तुम्हारा क्वेश्चन है तो मैं इसमें ये आंसर देता हूँ जय कि इट्स ऑल लाइक यू नो बिकॉज ऑफ योर साइकिक एबिलिटीज़ ओके तुम लाइक like, uh, वो जब अगर तुम्हारा साइकिक एबिलिटीज़ लाइक यू नो यू आर वेरी नाइस इन कम्युनिकेशन ओके तो तुम वहाँ पर जाकर टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकते हो एंड यू शुड लाइक यू नो ट्रस्ट वॉट एवर इज़ कमिंग ओके अगर तुम समझो हॉन्टेड लोकेशन पर जाते हो तुम वहाँ पर पूछते हो कि रैंडमली ऐसे हवे में और कैसे हो और तुम्हारे माइंड में रिप्लाई आता है हम ठीक है करके ठीक है तो हम तुम ऐसा समझोगे कि, कि ये तो कॉमन जवाब है जो मुझे भी पता है इसलिए मेरे पास आया ठीक है ये सब चलता है लेकिन कभी कभार तुम ऐसा सवाल पूछोगे जो तुम्हें पता नहीं है और उसका रिप्लाई आता है ठीक है सो सर अ कम्युनिकेशन ओके तो आई मैं मैं वैसा कम्युनिकेट करता हूँ ओके मोस्टली uh, स्टेब्लिश्ड होता है ठीक है मोस्टली नहीं होता है क्योंकि कुछ सोल्स uh, को कम्युनिकेट नहीं करना होता है हुँ. और हमें फोर्स नहीं करना चाहिए तो uh, कोई रीसेंट एक्सपीरियंस जहाँ पे आपने कम्युनिकेट किया हो इस तरह से रीसेंट uh, ना सो so, एक ठीक <laughs> है एक इंसिडेंट ही बता देता एक लंबा सा एक स्टोरी बता देता ओके इसमें यस uh, कम्युनिकेशन yes. भी हुआ है uh, मेरे लाइक मुझसे अटैचमेंट भी हुआ है ओके स्पिरिट स्पिरिट का और एक लंबा सा एक मतलब स्टोरी बनी है एकदम पिक्चर बनी है वो लंबे से ओके सो यस ये हुआ था आज से तीन से या नहीं तीन नहीं सॉरी आज से पाँच से छः महीने पहले ओके okay? एक फैमिली uh, ने कांटेक्ट किया था कि हमें लाइक यू नो मेरी ग्रैंड मदर का हीलिंग करवाना है मैं बोला कि ठीक है आपको नंबर कहाँ से मिला वगैरह तो उन्होंने मेरा कुछ फ्रेंड का नाम बताया कि यहाँ यहाँ से मुझे नंबर मिला है तो कोई रेफरेंस से नंबर मिला है आई वॉज हैप्पी कि यस कोई क्लाइंट मिला है चलो काम करता है तो उनका ये था कि मेरी ग्रैंड मदर का हीलिंग करना है उनको डॉक्टर ने बोला है कि आ, उनके पास सिर्फ टेन टू फोर्टीन डेज है हमें लेकिन इनको थोड़ा सा लाइक आप हेल्प कर सकते हो थोड़ा सा और इनके डेज स्ट्रेच करने के लिए क्योंकि इनका बर्थडे आने वाला है एंड वी वांट टू सेलिब्रेट लाइक यू नो हर बर्थडे तो मैं बोला कि देखो मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता कि मैं उनका लाइफ सही में स्ट्रेच कर दूंगा बिकॉज कैसे कर सकता यार <laughs> मैं लाइक आई एम गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर मैं उनका कि उनको लाइफ स्ट्रेच कर रहा हूँ बट अगर तुम हीलर हो ठीक है ये हो जाता है हीलर के हाथों से कि आ, मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं ओके जो Uh, किसी पेशेंट का हीलिंग करते हैं अगर उनके लास्ट डे चल रहा है डॉक्टर ने बोल रहा है एट बोला है एट डेज तो उनका वो डेली हीलिंग कर करके उनको पंद्रह uh, सोलह दिन भी खींच लेते हैं एंड hmm. डॉक्टर्स बोल लाइक हमने आठ दिन बोला था ये और ज़्यादा वो हो गया इसका मतलब इनका डाइट अच्छा है ऐसा नहीं है वी आर वॉकिंग ओके सो बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ लेकिन आप uh, कोई एक्सपेक्टेशन मत hmm. रखो मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा मैंने पहले ही बोल दिया है तो बोला ठीक है ठीक है लेकिन आप ट्राई करो प्लीज़ ठीक है कोई बात नहीं तो हीलिंग स्टार्ट किया ओके हीलिंग कंटिन्यू चल रहा है चल रहा है चल रहा है और दे आर वेरी रिच पीपल ओके, हीलिंग चल रहा है सब हो रहा है फिर एक डेट आता है जहाँ पर जिसका मैं वे वेट कर रहा था कि डॉक्टर ने बोला था टेन टू फोर्टीन डेज में शी विल लीव हर बॉडी ओके सो वो फोर्टीन डेज आए वो लेकिन नो कुछ हुआ नहीं उनको मैं बोला मे बी दिलिंग इज़ वॉकिंग अल चलो चलते रहते तो फोर्टी टेन फोर्टीन डेज मैंने उनको ना लाइक बहुत खींच दिया मैंने उनको बहुत बह, बहुत बहुत उनसे उससे ज़्यादा डेज मैंने खींच दिया तो वो जो पर्सन था मतलब जो उसका जो ग्रैंड टॉटर ग्रैंड सन था उनका वो भी हैप्पी था कि थैंक यू लाइक ऐसा हो रहा है लाइक आप कर रहे हो वर्क कर रहा है और मैं भी शॉक भी था और ऊपर से हैप्पी भी था कि सो जस्ट एक यहाँ पे एक्सपेंड uh, करने के लिए इसी चीज़ को uh, किस तरह से स्ट्रेच किया अगर आप वो बता सके डिटेल uh, में नहीं बता बता सकता बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ टीचिंग्स ओके सो हीलिंग उनका ये था कि मतलब मैं कर रहा था मैं उनके सारे ऑर्गन्स को क्लेंस कर रहा था मैं ओके okay. ऑर्गन्स और चक्रास को सो व्हेन योर ऑर्गन्स आर हेल्दी तो तुम तो हेल्दी रहोगे ना यू आर डूइंग दिस क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा कि प्रानी कीलिंग क्या है आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया था तो <laughs> दूर से आप वाइब्स के थ्रू कर रहे थे Uh, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन uh, करना पड़ेगा कि, कि मैं कैसे कर रहा हूँ ओके सो एम अ प्राणिक हीलर एंड अरहार्टिक योगी एंड डिस्टेंट हीलर ओके सो प्राणिक हीलिंग इज अ नो टच नो ड्रग थेरेपी ओके हम बिना किसी को फिजिकली टच करें बिना किसी को लाइक यू नो बैठा कर फिजिकली बैठा कर हम ना कोई मेडिसिन देकर कुछ भी ना कुछ इंजेक्ट करके बॉडी में हम ऐसा कुछ हीलिंग नहीं करते हैं हमें बस उनका नाम और फोटो चाहिए होता है और हम यहाँ से साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स uh, से लेकर फिजिकल एलिमेंट्स दोनों हम वो करते हैं हील करते हैं सो so, वैसे ही मुझे उनका नाम और फोटो दिया गया था और मैं मेरे घर से उनका हीलिंग कर रहा था ओके okay. सो so, हम पर्टिकुलर uh, ऑर्गन्स uh, ले लो या कोई भी नॉट पर्टिकुलर ऑर्गन्स बट कोई भी ऑर्गन्स को हम क्लेंस कर सकते हैं प्राणी हीलिंग में ऐसा है कि हमें सिखाया है कि हम ऑर्गन्स को क्लेंस कर सकते हैं प्राणी हीलर्स चक्रास के साथ साथ ऑर्गन्स को भी क्लेंस कर सकते हैं यस सो कमिंग टू द स्टोरी अगेन वो उनके मैं ऑर्गन्स क्लीन कर रहा था मैं और अच्छे से क्लीन कर रहा था बिकॉज दो बातें सबसे पहली बात यह है कि मुझे रिजल्ट देने थे क्योंकि वो में ही एक लाइक नो एक चैलेंज वाला होता हीलिंग था वो मेरे लिए ही कि मुझे कैसे भी स्ट्रेच करना है वैसा तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा फैसिनेट था कि यार रिजल्ट तो देना है और रिजल्ट मिल रहे थे और मैं भी यहाँ पर लाइक नो एक्साइट होते जा रहा था फिर एक टाइम के बाद आफ्टर लाइक नो कुछ पाँच छः दिन या आठ सात आठ दिन स्ट्रेच होने के बाद वन डे शी लेफ्ट हर बॉडी ओके Uh, तो फिर uh, मैं बोला चल ठीक है इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था ऑफकोर्स सो so, वो हुआ और उसके उस सन का कॉल आया कि ऐसा हो गया है लेकिन ना माई ग्रैंड मदर लेफ्ट लेफ्ट से बोला ओ अच्छा ओके चलेगा बट उसके आवाज़ में मुझे ना डिस डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा था और ऐसा दिख रहा था कि वो सैड है अभी सैड है तो ऑफकोर्स उसका ग्रैंड मदर है सैड mm -hmm. हो कुछ तो कनेक्शन हुआ होगा तो इसलिए सैड mm -hmm. है लेकिन डिसपॉइंटमेंट भी नज़र आ रहा था फील हो रहा था डिसअपॉइंटमेंट और कुछ ऐसा लग रहा था कि यार शिट ये कुछ मिल नहीं पाया है पैसा ऐसा कुछ जो मेरे को वाइफ जा रहा था मैं बोला यार पता नहीं क्या है बट मैं बोला कि अपना काम हो गया है यार, यार यही तक था मैंने लाइक फीस रिसीव हुई मैं, uh, मैं अपना काम करने लगा कंटिन्यू जो लाइफ में कर रहा था फिर वन डे मुझे वो ग्रैंड uh, लेडी मतलब वो ग्रैंड मदर का ड्रीम आता है कि ड्रीम आता है कि और तो ड्रीम भी इतना सटल ना इतना छोटा कि मतलब तुम अनुमान भी नहीं लगा पाओगे कि ये क्या है एक्चुअली ठीक है ड्रीम ऐसा था कि मैं उनके घर पे पर मुझे ग्रैंड मदर दिख रही है वहाँ पर ख़त्म होता था ड्रीम तो मैं उठा नींद से मैं बोला यार, यार ये सब क्या है सुबह उठा मैं तो ना ये सब क्या ऐसा ड्रीम आ रहा है तो मैं इन्हें इग्नोर किया क्योंकि अगर तुम अपने पेशेंट से कनेक्ट लाइक हीलिंग करते हो तुम कनेक्टेड रहते हो ठीक है So, अगर तुम इमोश अपने काम को लेकर इमोशनल हो ठीक है इमोशनली कनेक्टेड हो अपने काम से तो कुछ तुम्हारे पेशेंट को होता है तो तुम्हें भी लाइक थोड़ा सा तकलीफ होती है वैसा तो मुझे थोड़ा सा ऐसा सैड हुआ था लाइक थोड़ा सा सैड हुआ था कि अरे यार लेकिन फाइनली शी लेफ्ट मैं और नहीं हील कर पाऊँगा इसको तो वैसा तो मुझे ऐसा लगा वो बिकॉज ऑफ दैट मैं को ये लाइक आउट ऑफ एनजाइटी मेरे को ये सब आ रहा है और ड्रीम्स आ रहा है वैसे बट uh, वो दो दिन चले तीन दिन चले ड्रीम मैं बोला नहीं अभी मुझे फोकस करना पड़ेगा सो so, मैं गया मेरे सीनियर्स को पूछने के लिए कि हुआ क्या था एक्चुअली um, मतलब क्या ये सब क्या? मेरे साथ ऐसा सब हो रहा है इसका क्या मतलब है ये क्या हो रहा है तो सीनियर ने चेक किया और वो सीनियर ने बताया कि प्योर स्पिरिट अटैचमेंट हुआ है नीरज तेरे साथ मैं बोला ये कैसे हुआ क्यों हुआ है सीनियर ने जवाब दिया कि लाइक आई डोंट नो बस हुआ है अभी सब तुम्हारा काम खत्म हुआ है कॉर्ड्स कट करो और रिलीज़ करो सब कुछ मैं बोला ठीक है मैं कॉर्ड्स कट कर रहा हूँ रिलीज कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा है मुझे बार बार ड्रीम आ रहे हैं और जय हर ड्रीम हर रात के ड्रीम में ना स्टेप्स आगे बढ़ रहे थे मतलब वो आ, यहाँ पर अगर तुम्हारे सामने बैठी है आज के रात के ड्रीम में नेक्स्ट नाइट में वो बैठेगी और ये ग्लास साइड में करेगी ओके वैसा तो मतलब वो धीरे धीरे बहुत ग्रेजुअल स्टेप्स ले रही थी मुझे बताने के लिए कि एक्चुअली उसे क्या चाहिए तो ऐसे टाइम गए बहुत टाइम बिता यार लाइक मेरा बहुत एनर्जी ड्रेन हो रहा था तो धीरे धीरे फिर मुझे वो ना कुछ मुझे पेपर्स दिखा रही थी मैं बोला कि एक दिन मुझे उन्होंने पेपर्स दिखाए बोला यार ये सब लीगल पेपर्स मुझे नहीं पता समझ नहीं आ रहे हैं बोला लीगल पेपर समझ नहीं आ रहे है मेरे को कुछ भी ये सब क्या है तो मैंने फिर मैं एक दिन मैं बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा मतलब थोड़ा सा लाइक गुस्सा हो गया था कि यार मेरा एनर्जी जा रहा है और मेरे को लाइक यू नो ये सब नहीं चाहिए मुझे एक बार अब हो चुका है ख़त्म तो प्लीज़ मुझे और परेशान मत हुँ. करो और ऊपर से डर ये भी था कि वो मेरे फैमिली के तरफ ना कुछ हार्म चला जाए वैसा तो आ, मेरा ऐसा था कि यार जो भी है मुझे बताओ लाइक फटाफट बताओ तो मैं फटाफट काम करके ख़त्म करता हूँ मैं जो भी हेल्प है तो एक रात फिर ऐसा ड्रीम आया कि मुझे क्लियरली बताया ओके और वो जो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स पेपर थे वो प्रॉपर्टी पेपर्स थे एक्चुअली ओके मैं बोला यार प्रॉपर्टी पेपर ये सब क्यों मेरे को समझ नहीं आ रहा है प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टीज़ के पेपर वग़ैरह क्यों मुझे दिखा रहे हो सो so, मुझे कुछ पता नहीं था कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था मैं स्टिल कुछ टाइम का वेट किया फिर मुझे धीरे धीरे जब वो क्लियर आउट कर रही थी Uh, मेरे ड्रीम के थ्रू तब पता चला कि उनके ग्रैंड को उनके फैमिली को उनका प्रॉपर्टी चाहिए था और वो जो बोल रहे थे कि इनका बर्थडे सेलिब्रेट करना है बर्थडे सेलिब्रेट ऐसा कुछ नहीं बर्थडे के नाम पर इनको बस प्रॉपर्टी <laughs> <Property> के लिए यस <laughs> एग्जैक्टली yes, exactly. तो मैं बोला कि अच्छा बात ये थी इसके लिए डिसअपॉइंटमेंट था वो लड़के hmm. के आवाज़ में सैडनेस बहुत कम था डिसअपॉइंटमेंट था कि शेट यार लाइक हाथ से चला गया ऐसा वगैरह लेकिन फिर बाद में मैं ये सोचा कि लाइक वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लेकिन है ना अभी जैसे एज पर गवर्नमेंट लॉ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लेकिन हो सकता है वो पर्सन को ज़्यादा परसेंट लेना हो है ना जो वो लेने में सक्षम था लेकिन अब उसके उसमें नहीं है बस में नहीं है ज़्यादा सबको इक्वल मिलेगा उसको ज़्यादा लेना था तो शायद वो उसका ग्रेड है आ, तो फिर मैंने कॉल किया उस मतलब वो उनके ग्रैंड को कि हाई होवरी थिंग इज़ गोइंग ऑन कैसे चल रहा है घर पर तो वो बोला कि सर का बच्चा है आपने अचानक कॉल किया मैं बोला देखो मुझे कुछ बात करनी है तो उन्होंने बोला क्या बात करनी है तो मैंने बोला कि मुझे कुछ टाइम से बहुत अच्छे ड्रीम नहीं आ रहे लाइक मुझे लाइक आपकी ग्रैंड मदर दिख रही है सो तो वो थोड़ा सा एक्साइट हो गया क्या 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 दिख रही है क्या दिख रही है ठीक है क्या क्या बोल रही है तो मैं बोला मुझे दिख रहा है कि लाइक वो प्रॉपर्टीज़ के पेपर ऐसा वगैरह दिख रहा है। तो वो और एक्साइट हो गया वो उसका ऐसा लगा कि आ, ये मुझे हेल्प करा सकता है लाइक नीरज मुझे हेल्प कर सकता है तो उन्होंने बोला सर आप घर पे आ जाओ आप घर पे आ जाओ घर पे आके बात करते हैं घर पे गया घर पे जाके बात क्या किया और मुझे लाइक ड्रीम में मुझे वो लेकिन ना वो ग्रैंड मदर ने बता दी थी कि लाइक पेपर्स कहाँ रखे हैं ओके तो मैं तो उनके घर पे ना एक्चुअली गया नहीं था कभी वो फर्स्ट टाइम उनके घर पे गया और मैंने बताया कि ऐसा कोई घर है क्या जिसका वॉल का कलर ये है ब्लू है ग्रीन है तो ऐसा समथिंग ऐसा कुछ सब था उसके नीचे एक लाइक ड्रावर है और वो ग्रैंड मदर का घर है मतलब ग्रैंड मदर का रूम है वो तो उन्होंने बोला कि यार तुमको कैसे पता लाइक लिटरली वो हम, 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 हमारे ग्रैंड मदर का रूम का वैसा ही वॉल का कलर वगैरह है वैसा ही है तो बोला वहाँ देखो आप ठीक है प्रॉपर्टीज़ के पेपर आप वहाँ देखो बिकॉज योर ग्रैंड मदर वॉन्ट कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो प्रॉपर्टी इसके लिए वो बार बार मुझे मेरे ड्रीम में आ रही है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और सबको को बराबरी का हिस्सा मिले वो तो लेकिन अगर बराबरी तो मैंने थोड़ा सा डरा दिया उनको जानबूझ करता कि कुछ ये गलत कदम ना उठाए कि मैं ज़्यादा लेता हूँ तो मैं बोला कि वो उन्होंने मुझे बोला कि मैं ऐसा बोला मैंने वो लड़के को कि तुम्हारे ग्रैंड मदर ने मुझे बोला कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो फिर मैं फिर कॉन्सिक्वेंसेस देखने रेडी रहना वगैरह वगैरह मैं बोल रहा था तो बोला नहीं नहीं सर सॉरी मैं बरोबर टाइम पे सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो प्रॉपर्टीज़ के पेपर मुझे जहाँ दिखाए गए थे वहाँ नहीं मिले मैं बोला ये क्या चल रहा है तो मुझे वो क्यों बताया ठीक है लेकिन ठीक उसके लाइक यू नो सामने भी कोई रूम था फ़ाइनली वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के पेपर मिले ठीक है तो जब प्रॉपर्टीज़ के पेपर मिले मैंने बोला कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप ये एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करेगा वरना आपको लाइक आपके ग्रैंड मदर ऐसे सब दिखा रही है मुझे तो बोला हाँ हाँ सर सॉरी आई एम सॉरी लाइक मैं प्रॉपर लाइक like करूंगा तो फिर उसने प्रॉपरली जब डिस्ट्रीब्यूश डिस्ट्रीब्यूट वगैरह किया तो एक लास्ट ड्रीम मुझे आया ग्रैंड मदर का उसके कि वो एक ड्री वो ड्रीम ऐसा था कि वो ग्रैंड मदर मुझे बहुत यंग दिख रही थी ओके पहचान में नहीं आती वो ग्रैंड मदर है बट ड्रीम में मेरे सोल को पता था मुझे पता था कि ये वही ग्रैंड मदर है वेरी यंग उसने मुझे घर में वेलकम किया खाना खिलाया बैठकर और उसने थैंक यू बोल के गुड बाय किया उसके बाद से कोई ड्रीम ही नहीं आया मुझे <laughs> तो बेसिकली जो पास्ट अवे सोल्स है वो ड्रीम्स के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर उनको कुछ काम कराना है तो ओके लेकिन तुम इग्नोर भी कर सकते हो मैंने इग्नोर नहीं किया मैंने मदद करना करने का सोचा तो मैं मीडियम बन गया लेकिन मैं यहाँ पर व्यूवर्स को बोलता हूं कि अगर ऐसा हो तो कंटिन्यू ना करें मैंने कंटिन्यू क्यों किया क्योंकि मेरे पास लोग हैं संभालने के लिए मेरे पास सीनियर्स हैं मेरे संभालने के लिए अगर कल को कुछ होता भी है तो लेकिन मैं लोगों को नहीं बोलूँगा मैं व्यूअर्स को ये वो नहीं कर रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ना मीडियम शिप ट्राई करो ना कभी कम्युनिकेशन ट्राई करो कुछ भी क्योंकि मीडियम शिप पोजिशन uh, की खिड़की खोल देता है ओके okay. हाँ मीडियम शिप में बहुत ज्यादा लेकिन वो खतरे होते हैं तुम ऐसी मीडियम शिप कर रहे हो ठीक है जब तुम मीडियम शिप करते हो तो तुम्हारा कनेक्शन वो अदर लाइक आफ्टर लाइफ से कनेक्शन बहुत उसके बीच का जो व्हील रहता है वो बहुत थिन रहता है एक्चुअली hmm. तो तुम्हें नहीं पता तुम किससे कम्युनिकेट कर रहे हो उसी से कर रहे होगा जिस जो जिसको तुम चाहते थे इससे मैं बात करूं कंफर्म नहीं है hmm. कोई भी लाइक यू नो लाइक कोई भी कम्युनिकेट कर सकता है तुमसे उस वो लड़की का या वो लड़के का नाम लेकर सो so, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा बिल्कुल मीडियम शिप किसी को भी करने के लिए तो जैसे मैं आपको ऑफ द कैमरा बता रहा था आई थिंक सो दिस शुड बी आउट इन नाउ तो मेरी ग्रैंड मदर पास अवे होके उनको आई थिंक सो बीस या इक्कीस दिन हुए थे अप्रोक्सीमेटली आई वॉज स्लीपिंग इन द आफ्टरनून घर पे कोई भी नहीं था एंड ओके सो इसका भी एक बैक स्टोरी ये है कि जब वो जो चौदह दिन होते हैं पंद्रह दिन होते हैं स्टार्टिंग वाली हाँ हाँ. तो उस वो जस्ट खत्म हुए थे एंड uh, मेरे घर पे मेरे साथ में जो गेस्ट थे वो सब निकल रहे थे एक एक करके वाप, वापस अपने अपने घर जा रहे थे मेरी भूआ थी हुआ सपोज टू वो सबसे लास्ट में एंड घर पे कोई नहीं था मॉम डैड भी किसी को ड्रॉप करने के लिए गए थे कहीं तो ये भूआ थी एंड मैं था एंड uh, mm -hmm. मेरी दादी का जो बेडरूम था उसके जस्ट बाहर uh, हमारा डाइनिंग एरिया है एंड वहाँ पे लाइट्स लगे हुए वो ऐसा झूमर टाइप mm -hmm. का लाइट्स है तो इन द आफ्टरनून एक लाइट गिर के नीचे गिरा ऑटोमेटिकली oh, okay. कुछ हवा नहीं चल रही है ना फैंस ऑन है कुछ भी नहीं इट जस्ट ड्रॉप जैसे ही भूआ ने बोला था कि मैं जा रही हूँ वैसे ही वो गिरा या एंड इसकी भी एक चीज़ जो पहले हुई थी कि जब अ, मेरी दादी का देहांत हुआ उसके नेक्स्ट डे ही नेक्स्ट डे भी नहीं उसी दिन इनफैक्ट जिस दिन वो बॉडी का क्रमेशन वगैरह होता है रात को हम सोए एंड हमारे किचन से रात को तीन बजे आवाज़ें आ रही है एंड मेरी दादी वॉज डायबिटिक पेशेंट ये स्टोरी मैं ऑलरेडी पहले, पहले बता चुका एक पॉडकास्ट में बट आपको अभी बताने के लिए तो वो डायबिटिक पेशेंट थी एंड हम उन्हें मीठा नहीं खाने देते थे तो रात को छुप के जाती थी किचन में खाने के लिए एंड उनका क्रेमेशन जिस दिन हुआ है उसी दिन मुझे रात को तीन बजे घर में पूरा अंधेरा है सब सोए है मुझे किचन से बर्तन उठने की बजने की oh. आवाज़ आ रही है सो ऑल ऑफ दिस हैज़ है एंड अब वो जो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्स्ट डे पे जो मुझे ड्रीम आया मैं दोपहर को सोया हूँ एंड आई जस्ट सी दिस ड्रीम कि मेरा सोफ़ा है एल शेप में हमारा सोफ़ा है एंड एग्जैक्टली exactly मुझे सेम चीज़ें दिख रही है जो हमारा ड्रॉइंग रूम है वैसे ही um, इस साइड में एल शेप के सोफ़ा पर मैं बैठा हूँ एक जगह मेरे साइड में मेरे मॉम डैड बैठे हैं दूसरे सोफा पे जिस वॉल पे हमने मेरी दादी का तस्वीर लगाया है उस वॉल में से एक औरत बाहर निकल रही है शी इज़ वेरिंग कम्प्लीटली ब्लैक साड़ी एंड पूरा ऐसा ढका हुआ है उनका चेहरा वगैरह बस उनके हाथ दिख रहे हैं एंड वो हाथ पूरे जले हुए हैं वो आके मेरे साइड में बैठती है एंड शी इज़ क्राइंग आई कैन सी द टीयर्स मुझे पता नहीं कि कैसे मुझे पता चला बस मुझे इतना था कि मुझे टीयर्स दिख रहे थे एंड उससे मुझे लगा कि शी इज़ क्राइंग तो मेरी मॉम ने तभी उनको मारवाड़ी में बोला हम मारवाड़ी तो उन्होंने मारवाड़ी में उन्होंने बोला कि आपकी बॉडी तो पूरी जल गई है

कि मेरा सब कुछ सही से हो गया है मुझे इन लोगों ने जहां मुझे जाना था वहां छोड़ दिया है एंड आई एम गुड नाउ एंड फिर उसके बाद मुझे एक भी ड्रीम नहीं आता तो वॉट इज द रीजन बी इंड दीज तुम्हारा एक्सपीरियंस तो तुम्हारा अच्छा था जय यहाँ पर ठीक है बट मैं यहाँ पर दो बात करूंगा यहाँ पर पहली बात यह है कि लेकिन इट्स आवर माइंड जो लाइक ब्रेन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है जो चीज़ें क्रिएट करता है स्टोरी ऐसी ऐसी क्रिएट करता है जो तुम कन्वेंस हो जाते हो कि जो मैंने देखा वो एक कम्युनिकेशन होगा मेरी दादी सच में मुझसे बात कर रही है वो सेकेंड पॉसिबिलिटीज ये दूंगा कि यस yes, वो लोग कम्युनिकेट करते हैं ड्रीम्स के थ्रू ओके okay. तुम्हारा हो सकता है कम्युनिकेशन क्योंकि एंड वाई आई बिलीव कि ये कम्युनिकेशन था वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी दादी के साथ में कभी उस लेवल पे अटैच नहीं था कि मुझे ड्रीम्स आए उनके uh, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब उनसे अटैच नहीं था मैं घर से दूर ही रहता था हमेशा तो उस लेवल पे रिलेशनशिप नहीं था बस टूवर्ड्स द एंड जब उनकी बीमारियां स्टार्ट हुई एंड शी वॉज इन हॉस्पिटल तो उनका मैं ध्यान रखता था क्योंकि उनसे एक्सरसाइजेस करवानी होती थी तो वो मैं ज़बरदस्ती उनसे करवाता था वो करती नहीं थी तो उतना लास्ट के प्रोबेबली टेन फिफ्टीन डेज आई वॉज अटैच टू हर बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा ऐसा इमोशनल अटैचमेंट नहीं था उनसे यस yes. सो so, uh, इसमें ना कोई अटैचमेंट का बात नहीं आता है ओके okay? उनको जिनसे लाइक कंफर्टेबल लगता है कि बताओ उनको जाके शेयर करो hmm. स्पिरिट्स उनसे जाके बात करती है उनको hmm. बताती है जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जब वो लाइक यू नो थे वहां पर फिजिकली मौजूद थे तुम्हारी फैमिली में तुम उनसे अटैच रहो hmm. ना रहो वो मैटर नहीं करता है ओके okay. बट फिर वो जो फर्स्ट ड्रीम था उसका मीनिंग क्या हो सकता है बिकॉज मैं आज भी उसके बारे में सोचता है न, मतलब ऐसा शिवरिंग मुझे आता है क्योंकि वो अननेचुरल था एक तरह से दैट केम आउट ऑफ एंजाइटी ओके नॉट अ कम्युनिकेशन ओके आई एम थैंकफुल टू दैट बिकॉज वो बहुत वियोर्ड सा एक फीलिंग है वो उसके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो नहीं यार देखो जो कम्युनिकेशन होता है कम्युनिकेशन वाले ड्रीम और नॉर्मल ड्रीम दोनों में बहुत फ़र्क होता है और फ़र्क नज़र आता है ओके okay. कभी तुम्हें अगर कम्युनिकेशन होगा अगर इन फ्यूचर तो तुम्हें पता चलेगा कि वो ड्रीम्स कितने अलग रहते हैं और ये कितने अलग होते हैं hmm. ओके फर्क इजीली समझ में आ जाएगा ओके ओके इट आपने एक बात कही थी बीच में कॉर्ड्स कट करने की तो कॉर्ड्स मतलब क्या होता है ये यस सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ठीक है हम यहाँ पर कभी कभार बात करते करते हमने इमोशनल टॉपिक भी शेयर करा हुँ. यहाँ पर ओके okay? जैसे वो ग्रैंड मदर का uh, तुम्हारे भी ग्रैंड मदर का तुमने शेयर किया यहाँ पर टॉपिक uh, सेम निकले ठीक है हम यहाँ पर जैसे एक दूसरे को नॉलेज शेयर कर रहे हैं हम एक दूसरे के भी कर hmm. रहे हैं. होते है, वो एनर्जी okay? वो ऐसे लाइकली like, होते हैं hmm. है, वैसा अगर जैसे हम किसी को मिस करते हैं ना देट इज बिकॉज ऑफ द कॉर्ड्स विच इज कनेक्टेड विद पर्सन ओके अगर वो कॉर्ड्स हम कट करें तो फिर कुछ टाइम के बाद उसकी यादें भी धुंधली होने लगती है hmm. जैसे अगर कोई पर्सन हमारे फैमिली में अगर समझो उनका उनका हो जाता है कुछ दिन तक हम उसमें रहते जिंदा है लेकिन घर को छोड़ के गया उम्र के आखिरी छोर तक तुम्हें ये गम रहेगा कि ये हमारे एंड मोमेंट तक, तक छोड़ गया एंड तक याद रहेगा लेकिन वो मर गया इंसान उसको कुछ टाइम के बाद हम भूल जाते हैं hmm. उसका गम भी लेकिन होने लगता है अंदर से। यही है कि कॉर्ड, कॉर्ड्स कट हो जाते हैं ना एक बार तो आ, कुछ याद नहीं याद रहता, मतलब याद रहता है बट वो याद तकलीफ नहीं फील नहीं होता वो। तो कॉर्ड्स बेसिकली आ, एनर्जी कॉर्ड्स होती, वो वो होती है दिखने में एक्चुअली रहते हो hmm. एक वायर की तरह दिखती है वो कॉर्ड्स के थ्रू मतलब कॉर्ड्स कनेक्टेड होते हैं ओके okay. एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो हमारा कॉर्ड्स तुम्हारे किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होगा कोई प्लेस से होगा या कोई लोकेशन से होगा hmm. तो बहुत से बार जो फॉर एग्जाम्पल एनाबिल जो मूवी है उसमें वो डॉल के अंदर आई डोंट नो मतलब डिमोनिक पोजिशन वगैरह होते हैं तो वो जो कॉर्ड है वो उस डॉल के साथ उसका अटैचड है वो जो भी पोजिशन है उसका कॉड uh, भी बोल सकते हो एंड सेकेंड ये भी बोल सकते हो कि कंट्रोल uh, ओवर डे okay. वैसे कोई डीमन मतलब ऐसा कोई ऐसे डॉल वगैरह को पॉजस्ट नहीं कर सकता है ठीक है उनके द्वारा वो चीज़ें कर सकता है बट पॉजेस्ट okay. नहीं कर सकता uh, आप कोई ऐसे केस uh, के बारे में बता सकते हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पता हो जहाँ पे यू वर लाइक की बहुत एक ईविल तरह का पोजिशन है या अटैचमेंट है ओके okay. सो so, uh, एक मैं आ, केस के बारे में बात करूँगा मेरा केस तो ऑफकोर्स नहीं है वो बिल्कुल ठीक है वो बहुत पुराना केस है वो और वो बहुत ज़्यादा फेमस है द केस ऑफ एनालिस मिचल जो एमिली रोज के नाम से ज़्यादा फेमस है वो लड़की जिनका यूट्यूब पे एग्जॉर्सम का वीडियो है रियल वीडियो वो फेक है अच्छा वो फेक है <laughs> हाँ तो फेक तो आ, उनका ऑडियो मिल सकता है एनालिस मिचेल के आ, वीडियो लेकिन फेक है आ, सो एनलिस मिशेल जो लाइक उनका वो था उस एनलिस मिशेल वो जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा लाइक यू नो बहुत ज़्यादा डेली लाइक फ्रिक्वेंटली चर्च जाने वाली लड़की थी फिर वो जब उसके हॉस्टल में शिफ्ट शिफ्ट हुई वो तो वहाँ से चीज़ें शुरू होने लगी वो फिर चर्च जाना कम करने लगा कम करने लगी तो फिर उसको लाइक यू नो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे फिर हुँ. उसको बहुत ज़्यादा फिज़िकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगे जैसे बायोलॉजिक लाइक डिसीज़ बहुत ज़्यादा होने हुँ. लगे उसे माल न्यूट्रिशन सी लाइक यू नो शी डाइड विथ माल न्यूट्रिशन के वजह से बट उसके चलते उसके बीच में जब तक वो जिंदा थी ऐसे ऐसे चीज़ें उसके साथ हुई है जो पोजिशन बहुत कम वैसे किसी के साथ हुए हैं एनिलीस मिचेल में जो डीमंस थे वो लोग बहुत फेमस फेमस नाम ले रहे थे डीमंस मतलब एक से ज़्यादा थे डीमंस okay. एक से ज़्यादा कुछ सिक्स से सेवन डीमंस yeah. थे उनके अंदर ओके okay. एनिलीस मिचेल के अंदर और उनके नाम एक 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 डीमन था जिसका नाम काइन था एक डीमन था हिटलर था एक हिटलर oh. हिटलर बताया था मतलब रियल हिटलर हिटलर ओके एंड हिटलर uh, था फिर उसके जुडास करके एक था सो hmm. जुडास so, या तो काइन uh, uh, तो uh, hmm. okay? hmm. के जमाने में right. sorry, तो जमाने है? में नहीं सॉरी बाइबलिकल फिगर था हाँ. ठीक है आप बताइए क्या बोलते जो जुड़स वो है ना जिन्होंने जीसस को धोखा दिया था ऐसा कुछ स्टोरी है एंड काइन uh, तो बहुत पुराना है सो so काइन का ऐसा ही वाज़ द फर्स्ट मर्डरर इन दिस प्लेनेट ओके पहला मर्डर उसने किया था उसने तो वो था उसके अंदर जुडास था जुडास मतलब वो ऐसा बोल रही है मैं बिलीव लाइक मैं नहीं मानता कि इतने सारे लाइक डीमंस हैं उन उसके अंदर कोई और डीमन रहा होगा डीमन एक पोजिशन रहा होगा ठीक हुँ. है बट ये सब नहीं थे फिर एंड में आवाज़ आती है कि लूसीफर लूसीफर भी हुँ. था बट हिटलर काइन लूसिफर सो हो सकते हैं ईटीडी में अलग-अलग नाम बदल हो के आवाज बदल के बात हो के होता है होता है वैसा ठीक है सो एनालिस्ट म्यूचल का बात ये था वो उसका केस इतना कंडीशन हो गया था इतना खराब हो गया था उसने खाना रिजेक्ट ही कर दिया था टोटली तो और ही यूज्ड टू लाइक यू नो ड्रिंक हर ओन पी एक्चुअली बग्स खाते थे वो कॉकरोच बॉक्स वगैरह वो एक साथ में उसने इतने थाउजेंड्स ऑफ पुशअप्स पुशअप बोल रहे सीट अप्स मारने लगी थी वो उसके पैर के लिगामेंट्स टूट गए थे टाइम बहुत ही उसने ज़्यादा डेडली चीज लेकिन वो hmm. बहुत क्रेजी चीज़ें करी थी अपने पेरेंट्स के सामने वो उसके लाइक इतने सीटअप्स मारे उसने कि लिगामेंट उसका टेयर हो गया सीधा hmm. और टूट ही गया मतलब तो लिगामेंट लिटरली तो फिर ऐसे सब चीज़ें हुई फिर कुछ फादर लाइक कुछ प्रेस्ट से जो इन्वॉल्व थे में। उन है सो केस भी था, लीगल जेल में गए थे वो लोग सीधा जेल में गए थे क्योंकि मिशेल का डेथ हुआ ऐसा आया मेडिकली कि लाइक यू नो शी डाइड आउट ऑफ माल न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन वगैरह आया तो जिसके वजह से आ, जेल वगैरह में गए प्रीस्ट सो so, ये बहुत आ, वो था डेडली केस था मतलब बहुत मतलब बहुत ज़्यादा क्या बताओ मैं अभी इसके ऊपर तो मैं क्या क्या सहाया इस... उसने लेट मी लेट मी आस्क यू इससे जो मुझे क्वेश्चन एक पूछना है वो लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे टीम मेट्स है एंड दिस पर्सन गेट्स ओके तो क्या होगा एग्जैक्टली exactly उसकी बॉडी में एंड क्या फीलिंग होगी उसकी मतलब उसको क्या फील होगा सो so, जय ये क्वेश्चन अच्छा है और बहुत सही क्वेश्चन पूछा क्योंकि ये जानना चाहिए को पोजिशन बहुत अलग अलग प्रकार के होता है ओके okay? जरूरी नहीं है कि पोजीशन हुआ तो इसका मतलब तुम नाटक करने लगोगे तुम कुछ भी ओके जैसा तुम आजकल मंदिरों में देखते हो हाँ। वैसे तो जरूरी नहीं है पोजीशन कोई आ, एंटिटी का तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर करना ओके जरूरी नहीं कि वो सिर्फ पोजेस्ट ही करेगा ओके कुछ एंटिटी आकर तुम्हें पोजेस्ट करेगी लेकिन वो तुम्हें या तो बीमार कर देगी या तो तुम्हारा फाइन इंप्रेस घंटे प्रेस कर देगी या फाइनेंशियल स्टेटस पूरा डाउन कर देगी रिलेशनशिप खराब कर देगी तुम्हारे दोस्तों के और ऐसे मुकाम पर पहुंचा देगी कि जहां पर तुम सुसाइड कर लो hmm. वैसा भी होता है और कभी-कभार पोजीशन होता है कभी-कभार यू आर मेंटली सो वीक यू आर मेंटली सो टायर्ड और इतना गिव अप वाले पोजीशन पे हो तभी पोजीशन होता है और कभी-कभार ऐसा है कि तुम पोजेस नहीं आ, हो रहे हो बट इस मुकाम पर तुम पहुंच जाते हो इस मुकाम पर वो एंटिटी तुम्हें लेकर आकर छोड़ती है कि तुमको सिर्फ सोसाइटी ऑप्शन दिखता है तो ओके लेट्स टेक दिस बिट मोर फर्दर यहाँ से थोड़ा डीप डाइव करते हैं अगर uh, एक इंसान है जिस जो मतलब बहुत जॉली है बाई नेचर या नॉर्मल इंसान भी है जो रेगुलर ह्यूमस रहते हैं वैसे एंड सडनली वो साइलेंट हो गया है बहुत बात नहीं कर रहा है किसी से एंड मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली बीच बीच में ऐसे दौरे टाइप्स उसको आ रहे हैं जहाँ पे वो साइलेंट हो जाता है इज दैट अ डिमोनिक या कोई भी टाइप का पोजिशन इट्स नॉट अ पोजिशन बट नॉट एनी एंटिटी पोजिशन ओके ओके पॉजिशन यानी सिर्फ पोजिशन ये जो वर्ड है ठीक hmm. है ये सिर्फ एंटिटीज uh, या कोई पैरामल वर्ल्ड में यूज नहीं होता

मैं आपको कुछ पूछा था मैं भूल गया बट एक कि पता कैसे चलेगा कि मैं पजेस्ट हूँ या कोई और पजेस्ट है मतलब कैसे पता चले देखो बात क्या होती है कि शुरुआत शुरुआत में तो नहीं पता चलता है जब तक वो एकदम ठोस सबूत देना देना दे कि कि लेकिन वो जो दिखे सामने कि ये पॉजिटिव है हुँ। कुछ ऐसे चीज़ें ना करे कि जिससे दिखे ये पॉजिटिव है अभी समझो अगर समझो मैं पॉजिटिव हूँ ठीक है तो शुरुआत के कुछ साल तक तो मेरे पेरेंट्स को या मेरे फ्रेंड्स को पता भी नहीं चलेगा मैं ओके okay. क्योंकि मैं तब तक सिर्फ मेरे प्रॉब्लम्स फिजिकल प्रॉब्लम्स होते रहेंगे जैसे मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ता रहूँगा फ्रिक्वेंटली hmm. मेरे फाइनेंशियल स्टेटस में एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता होगा और मेरे रिलेशन सारे खराब होते होंगे सबके साथ सो तो ये सब एंटिटीज कर सकती है लेकिन हम इसको पॉजिशन नहीं मानते okay. मतलब सामने वाला ऑफ कोर्स हमें हमारे दिमाग में पोजीशन यानी ये कि hmm. ये इसके आंग में आया ये नाटक वगैरह कर रहा, रहा है तो इसका, था मतलब, था। तो इसका मतलब तो इसका मतलब पोजीशन नहीं बात वो नहीं है तो कुछ साल तक तो पता भी नहीं चलता है कि ये पोजिस्ट है ये पर्सन okay. या कोई अटैच है इसके साथ hmm. नहीं okay. पता चलता एक मेरी फ्रेंड है शी स्टेज इन राजस्थान तो Uh, उसने मुझे ये बताया था तो वो एक रेंट के फ्लैट में रह रही थी एंड उसने वो फ्लैट चेंज कर लिया विद इन लाइक गोइंग देर एक हफ्ते या दो हफ्ते के अंदर उसे चेंज कर लिया uh, उसको रोज रात को उसके जो फ्लैट था उसमें जो वाटर पाइपलाइंस होती है उसमें से टक 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 आवाज आती थी एंड एक ही टाइम पे रोज रात को सो शी कितना बड़ा था वाटर पाइपलाइन साइज बता सकते हो आई डोंट नो बट नॉर्मल जो हमारा पाइपलाइन होता है घर का उतना बड़ा होगा ओके सो शी लेव दैट प्लेस बट बाद में उसको ये चीज पता चली थी कि वहाँ पे जो टैंक था बिल्डिंग का वाटर का समन तो ये हो सकता है कि वो जो सोल था या कुछ उसके वजह से ये चीज हो रही थी नहीं बोलूँगा मैं ये okay. जो है क्योंकि आ, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है वो लेकिन ना वो, 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 वो वाटर पाइप का hmm. कभी कभार पानी का फोर्स इतना होता है कि वो ऐसा टैप करते हुए हाँ, हाँ, जाता 100%. है कभी कभार वैसा होता है इट्स लाइक नो वेरी इजी टू और ये सब वो, मतलब वो करना hmm. hmm. बताना लाइक वेरी इजी टू सॉल्व की hmm. क्या था ये प्रॉब्लम so, आप कभी किसी ने? से मिले हो जो पजेस था यस yes, मेनी <laughs> तो uh, कोई एक्सपीरियंस या जो आप बता सको आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आप नहीं बता सकते yes. बट कोई ऐसा जो आप बता सको बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गेट अ स्टोरी जिसके थ्रू लोगों को पता चल सके कि रियालिटी क्या है क्योंकि तो ये चीज़ भी मैंने आपको इसलिए पूछी थी पानी वाली कि लोगों को reality पता चले एंड आपने जैसे बताया कि हो सकता है वो भूत हो या हो सकता है वो सिर्फ एक नेचुरल पानी का जो फ्लो है उसके वजह से भी हो तो उसी तरह से आपकी कोई एक्सपीरियंस अबाउट समवन हु वॉज पजेस्ट ओके सो मैं यहाँ पर दो पोजिशन की बात करता हूँ अभी hmm. तो मैं ठीक है uh, एक दो पोजिशन वैसे बहुत सारे पोजिशन देखे हैं मैंने तो एक पोजिशन ऐसा था मतलब दो लड़की थी दोनों पॉजिशन थी ओके सो so, एक रिएक्ट करती थी ठीक है और वो और दूसरी वहाँ पर शांत रहती थी जब ये शांत रहती थी तो वो रिएक्ट करती थी ओके मतलब वो दोनों लड़की ये बताना चाहती थी, थी कि इसमें से निकल के फिर उसमें जाता है ओके इसमें से निकल के फिर उसमें जाता है ठीक है बट वो पॉसिबल एक्चुअली पॉसिबल है लेकिन इतना इजीली तो नहीं है ठीक है क्योंकि जो जिसके अंदर जा रहा है वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है लाइक फिट है फिजिकली भी ले लो और मेंटली भी ले लो दोनों फिट है फिर ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी लड़के जो पॉसेस होती है वो ऑलरेडी मेंटली लाइक यू नो प्रॉब्लम में चल रही है

और सीधी बात है फोर्स नहीं कर सकते और फोर्स करके भी नहीं आते हैं तो आ, एक आ, मैं बताता हूँ कि एक था एक पोजिशन था जो बहुत साइकोलॉजिकल था hmm. और एक पोजिशन वॉज अ पोजिशन रियल पोजिशन वैसा सो so, जो साइंटिफिकल पोजिशन था जो लेकिन ना मुझे मैं मुझे पता चला था वगैरह तो मैं मिला वगैरह ये सब था तो उससे मिल के सिम्टम्स है ये सब से पता चल गया इट्स अ प्योर साइकोलॉजिकल और जो दूसरी थी उससे भी मिला उससे भी बात हुआ सब हुआ उससे पता चला कि इट्स अ प्योर पोजिशन hmm. ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है साइकोलॉजिकल कोई पर्सन साइकोलॉजिकली बिहेव कर रहा वैसा और पोजिशन हो पॉजिस्ट होगा बिहेव कर रहा है, है। हमें ऐसा लगता है दोनों पॉजिस्ट है लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली देखा जाए ना तो फ़र्क नज़र आता है ओके okay. नज़र आता है दोनों में दोनों के बॉडी के एक्शन में भी और दोनों के बात करने के एक्शन में भी और दोनों के लाइक नो आंखें आंखें लाइक पता चलता है सब पता चलता है तो डिफरेंस पता चल जाता है इजीली ओके ओके कोई ऐसा पोजीशन जहां पे यूवर लाइक आप मतलब घबरा गए हो हाँ एक बार मतलब कभी पोजीशन से मैं से बचपन में डरता था कोई पोजीशन बचपन से देख रहा हूँ मैं उसके बाद डरने लगा क्योंकि जब ये सब चीज़ में पढ़ता रहा तो नहीं हुआ फिर प्रॉब्लम तो बचपन में जब एक बार ज्यादा बचपन नहीं आफ्टर टेंथ थे स्कूल फ्रेंड्स के साथ मैं आ, हाजी अली दरगाह ऐसा वगैरह गया था तो वहाँ पर मोस्टली एक्सोरसिजम्स करता है ना मौलवी और बाबा वहां पर करता है तो देखकर मैं डरता था बस ऐसा कोई आ, ऐसे लाइक पर, इन पर्सन हो के कभी ऐसा डरा नहीं हो okay. ओके वैसे एक साथ तीन चार लोगों को पजेस्ट देख कर कौन नहीं डरेगा तो पहले डर लगता था अभी अभी नहीं है कुछ इश्यू ओके okay. कोई प्रॉब्लम नहीं okay. okay. मुझे याद है आ, बहुत फेडेड मेमोरी मेरी आई डोंट नो उसके पीछे रीजन क्या है बट वेन आई वॉज आई थिंक सो ट्वेल्व और थर्टीन ईयर्स ओल्ड तो आई वॉज टर्म्ड एज पजेस्ट हाँ, हाँ okay. आ, मुझे बहुत ज्यादा फीवर आ रहा था क्लिनिकली जा नहीं रहे थे वो फीवर एंड भाईंदर में कोई बाबा शॉर्ट ऑफ थिंग है तो फैमिली मी ओवर देर किसी ने उनको बोला कि वो अच्छे है मैं वहां गया एंड आई रिमेम्बर उन्होंने मेरे ऊपर कुछ छिड़का था एंड कुछ ऐसा वो झाड़ू टाइप्स का वो मारा नहीं। था एंड उसके तुरंत बाद में आई गॉट बेटर मतलब लिटरली वहां से निकल के गाड़ी में जाते जाते आई गॉट बेटर तो ये ऐसी चीजें होती है इसका मैं आपको साइकोलॉजिकल रीजन देता हूँ ठीक है मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि यह हो सकता है तो हो भी ठीक है जो उनके एक्सोरसिज्म के बाद तुम ठीक हो गए हो लेकिन यहाँ पर मैं तुमको साइकोलॉजिकल का साइड भी बताता हूँ मैं तुम्हारी उम्र क्या थी ट्वेल्व और ट्वेल्व और थर्टीन ठीक है तुमको ये बोलकर लेकर गया था कि वहाँ पर जाकर ठीक हो गए मतलब मुझे याद नहीं है मुझे सिर्फ ये याद है कि उन्होंने पर झाड़ू मारा था और उसके बाद उसका लेकिन हमें पता रहता है कि हम जहां पर जा रहे हैं मुझे मॉमडर लेके आ रहे हैं मुझे ठीक करने के लिए लेके जा रहे okay? हैं ओके और ये डॉक्टर से काफी अलग चीज है तो वो दिमाग में रहता है हमारे कि ये जहां पर लेके आ रहे हैं कुछ अननेचुरल चीज है जो अलग है एकदम डॉक्टर से और मुझ मुझे वो असर दिखाएगी ठीक है तो वो बस एक प्लेसिवो इफेक्ट था वो बस एक ओके कि उन्होंने किया और तुम तुरंत ठीक हो गए वो तुम्हारे साइकोलॉजी पर ऐसा इफेक्ट आया कि क्योंकि तुम्हारे तुमने सोच कर ही गए थे कि क्या बोलते यहाँ पर कुछ अलग चीजें होने वाली है और तुम ठीक हो गए फिर गाड़ी में जाते जाते ओके बिकॉज आई एम वियर्डेड आउट उसके वजह से uh, कोई ऐसा तरीका है जिससे पता चलता है कि uh, मतलब आई एम आस्किंग यू एज इन्वेस्टिगेट्स या जिसको इन सब चीजों में एक्सपीरियंस है कि कोई इंसान है उसको आप देख के बता सको कि ये इंसान प्रोबेबली पास्ट में पर्जिस्ट हुआ रहेगा साइकिक्स ऑफ कोर्स पता चल जाता है साइकिक्स को को साइकिक्स जो साइकिक होता है हुँ. वो लोग को पता चलता है कि तुम्हारा पास्ट क्या है कोई हायर साइकिक होता है यानी हायर क्लेयरवॉयंस होता है जिसके पास हम पर्सन नॉट ओनली एबल टू सी योर पास्ट इयर्स बट कैन एबल टू सी योर पास्ट लाइफ्स आल्सो ओके तो ऐसे बहुत सारे क्लेयरवॉयज मुझे देख के लगता है मैं पजस टू आ रहाऊंगा

अभी जैसे हर बीच हॉन्टेड है ओके सिर्फ बीच डुमास बीच ज्यादा फेमस है शायद हो सकता है वहाँ पर इंसिडेंट इतने ज़्यादा हुए होंगे कि इसलिए वो फेमस हुआ है बट मोस्टली सारे बीच हॉन्टेड होता है पहला कॉमन रीजन ये है क्योंकि वो समुंदर है कितने सारे जट्स हुए होंगे या कितने सारे मर्डर्स वहाँ पर होकर वहाँ पर फेंका होगा तो वहाँ पर उनकी आइडेंटिटीज होगी क्या क्या होगा ठीक है बट सेकेंड ये है इस्लाम में ये बताया है कि जो जिन होते हैं वो फायर में इनकार्नेट होते हैं फायर से इनकार्नेट होते हैं अभी जैसे हम हम इनकार्नेट होते हैं लाइक यू नो नॉर्मली जो प्रोसेस है ह्यूमंस का लेकिन फिर हम अग्नि में आ फायर में जाके हम ना लाइक यू नो खत्म होता है जिंदगी खत्म हाँ। होता है ये जिंदगी ये इनकार्नेशन खत्म होता है वैसे उनका है वो फायर से बॉर्न होता है और पानी में जाकर उनका वो होता है लाइफ उनका वो एंड करता है सो so, जब जिन जो ओल्ड हो जाते हैं या जिन चाहते हैं कि लाइक यू नो दे वांट टू लीव देयर प्रेजेंस लाइक दे वांट टू लीव दिस प्लानट और डायमेंशन और वॉट उनको अगर जाना है दूसरे डायमेंशन में या मरना है या कुछ भी है एक्चुअली बोल सकते हो तो वो समुंदर की तरफ जाता है सो so, वहाँ पर जाकर वो पानी में जा कर, अपना लाइफ वो करता है तो इसलिए समुंदर के यहाँ पर बहुत सारे पैराम एक्टिविटीज़ होती है और समुंदर बुलाता भी है आपको वो तो वहाँ के मैनिपुलेटिव uh, एंटिटीज होती हैं जो तुम्हें तो बुलाती है एक्चुअली वो समुंदर नहीं है जो बुलाता है हाँ। <laughs> वो वहां का वहां की एंटिटीज है जो बुलाती है ओके okay. uh, एक और आपने चीज कही थी <laughs> ये थोड़ा फनी है मेरे लिए क्योंकि मैं अभी उसको इमेजिन कर रहा हूँ जिस तरह से आपने बोला था कि कुछ सोल्स है जो एक स्पेसिफिक जगह है uh, क्या जगह का नाम था वो जहाँ पे तुम लोग गए थे अम्बोली सो so, अम्बोली में आपने कहा कि वो एक जो वहाँ पे इसका जानना है ना तो आप सरभाजीत मोहंटी एंड पूजा विजय इनका चैनल आप देख लो इन उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से इन्होंने जो वहाँ की साइकिक रीडिंग निकाल के दी है तो आपका अगर व्यूवर्स को अगर जानना है उनका उन वो प्लेस के बारे में उनके चैनल का नाम है गोस्ट एनकाउंटर्स पैरस ओके सो वो जो जगह है ठीक है वो वहाँ पर अम्बोली मतलब जैसे अंबोली मतलब घाट है वहाँ पर पार्टी हफ्ता वहाँ पर मतलब जैसे पार्टी ही करते थे, थे वहाँ पर लोग वैसा तो आपका ये क्वेश्चन तब आपके सोल्स भी पार्टी ही कर रहे हैं ओके सो ये सिर्फ अम्बोली घाट में नहीं स्पेशली ये कहीं पर भी हो सकता है ओके अगर तुम समझो एक सडन डेथ से मरे हो समझो कोई पर्सन है बाइक चला रहा है एकदम स्पीड की मुझे यार मुझे ऑफिस में पहुंचना है एकदम सडन डेथ हो जाता है ठीक है वो एकदम सडन डेथ ओके लाइक ऑन स्पॉट वो मर गया ठीक है वो फिर उठेगा उसका सोल और वो ऑफिस जाएगा वो फिर उसको, उसको पता पता ही नहीं, नहीं है क्या हो रहा शौक में वो यस और वो फिर ऑफिस जाता है वो ऑफिस जाता है फिर उसको लोग इग्नोर करते हैं वो कुछ कुछ चीज़ें करता है फिर वो ग्लास गिराता है वो पेपर्स गिराता है फिर लोगों को लगता है क्या हो रहा है ऐसा वगैरह उसको लगता है इग्नोर कर रहे हैं मोस्ट ऑफ़ दर्स उसके निकल जाते हैं कि ये लोग मेरे को अभी पसंद नहीं करते या ये लोग मेरे को अभी uh, मेरे से बात नहीं करेंगे तो ऐसा लगता है कि ये लोग इसलिए इग्नोर कर रहे हैं और कुछ एंटिटीज को पता भी नहीं रहता है कि दे डाइड वैसा और कुछ एंटिटीज़ को रियलाइजेशन हो जाता है वक्त के साथ साथ ओके और कुछ एंटिटीज को तुरंत रियलाइजेशन हो जाता है तो जैसे वो जो जगह थी जहाँ पे आ, मेरे टीम गए थे एंड एक जो टीम स्पेसिफिकली उसके अंदर जाते ही वहाँ से स्लैब गिर <laughs> तो वॉज दैट मतलब वो पुरानी बिल्डिंग है उसलिए भी गिरा हो सकता है या किसी वहाँ पे जो एंटिटी थी उसका एक रिएक्शन था कि अंदर मत आओ या कुछ ऐसा Um, ऐसा होता है कि वो कुछ आपको बताते हैं yes, होता है। okay. और वो प्लेस जब जबकि ज्यादा ही एक्टिव है तो होता होगा. Okay. Okay. Got it. Um, इस पॉडकास्ट को एंड करते <laughs> and, uh, एक जो स्पेसिफिक चीज मुझे द एंड पूछनी है जिससे हमने चालू किया था पॉडकास्ट <laughs> um, हनुमान चालीसा तो हा, हा, हा। हनुमान चालीसा yes. क्या काम करती है भूतों के ऊपर या नहीं सो yes. so, uh, अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि Uh, हनुमान चालीसा क्या काम करती है किसी पर किसी भूत काम करती है क्या अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो भूत के ऊपर अगर वो भूत क्रिश्चियन निकला तो वेरी ट्रिकी क्वेश्चन ओके जो मुझे भी आया है मुझे भी पूछा है सो हाँ. so, वैसा नहीं होता है कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो और सामने भूत है और वो नाच रहे तुम्हारे सामने हाँ। कि फरक नहीं पड़ रहा मुझे हाँ। <laughs> वैसा नहीं होता है आफ्टर लाइफ में रिलीजन रेस रेस ह्यूमन वगैरह का बाउंड्रीज कुछ नहीं रहता है रिलीजन की तो चीजें ही हट जाती है आफ्टर लाइफ में आफ्टर लाइफ में आज जो तुम्हारा दोस्त अब्दुल है वो वहाँ पर तुम्हारे साथ अब्दुल ही रहेगा बट रिलीजन वाला पार्ट बात ही नहीं करेगा जो अगर अभी तुम्हें अब्दुल के साथ अगर अगर रिलीजन रिलीजियस वाइज प्रॉब्लम है कोई आफ्टर लाइफ में तो मैं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आफ्टर hmm. लाइफ में कोई रिलीजन वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है कुछ होता ही नहीं hmm. वो सब। hmm. ना करता है, है।, है बाईम वो तो डेफिनेटली उधर प्रेजेंट नहीं है ओके okay? जो चांटिंग जिस तरह से हनुमान चालीसा बनाई गई है हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने या कि जिस किसी ने भी बनाई है ठीक है इस तरह से बनाई है कि ये ये पार्ट आने के बाद वो एंटिटी डिस्टॉर्ट होते रहेगा मतलब वो डिसंटिग्रेट होते रहेगा ठीक है hmm. क्योंकि वर्ड्स है वाइब्रेशंस ओके अब वो भूत को हनुमान का नाम सुन के वो परेशान नहीं हो रहा है हनुमान वो वर्ड में जो वाइब्रेशन है और hmm. जिस फेथ से तुम उसका नाम ले रहे हो वो उसको प्रॉब्लम दे रहा है ओके okay. बात यह है ऐसा नहीं है कि आ, यार तुमने हनुमान का नाम लिया शट अब तो गया मैं ऐसा नहीं है वो तो ऐसा नहीं होता है और किसी का भी नहीं ऐसा होता है वर्ड्स हैव वाइब्रेशंस वाइब्रेशन चेंजेस क्रिएट करती है तो जिस तरह से आप वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो बस जिस फेथ से पढ़ रहे हो उस पर डिपेंड करता है सब कुछ यस yes. ओके okay. वैसा है okay. तो तुम तो तो हनुमान चालीसा से भूतो ही नहीं तुम तो हनुमान चालीसा से इंसानों को भी प्रॉब्लम दे सकते हो अगर फेथ से पढ़ रहे हो तो वह राइट एक मेरे टीम का क्वेश्चन है विच इज इन द सारंगपुर हनुमान टेम्पल देर हैव बीन न्यूमरस अकाउंट्स ऑफ डिवोटीज एक्सपीरियंसिंग पोजेशन बाय द डी हनुमान कैन यू शेड लाइट ऑन द नेचर ऑफ दिस पोजिशन एक्सपीरियंसिस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस दे होल्ड इन द कॉन्टेक्स ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी हाउ डज द टेम्पल एंड रिचुअल्स फैसिलिटेट सच एनकाउंटर्स विद द डिवाइन ओके यस सो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि uh, खुद लाइक यू नो

जीसस को जीसस जो जीसस थे ठीक हुँ. है उनको जीसस क्राइस्ट क्राइस्ट के नाम से बुलाता है जीसस क्राइस्ट उनका नाम नहीं था हुँ. उनका नाम जीसस था ओके क्राइस्ट उनका नाम तब हुआ जब क्राइस्ट कॉन्शियसनेस उनके बॉडी में उनके माइंड में और उनके सोल में आया ओके क्राइस्ट कोई सेंट का नाम है ओके उनका कॉन्शियसनेस उनके बॉडी में आया ओके तो जिसके वजह से उनका नाम उनका जीसस क्राइस्ट ऐसा नाम हो गया ठीक है सो so,

लाइक लॉर्ड हनुमान ही कुछ पॉजिस कर रहा है किसी को वेरी पॉसिबल ठीक है लेकिन यार हर किसी को आ रहा है हुँ. ये पॉसिबल नहीं है व्हेन यू आर जब तुम तुम इतना स्पिरिचुअली लेकिन वो डेवलप नहीं हो इनर प्योरिफिकेशन उतना नहीं है तो लॉर्ड हनुमान तुम्हारे अंदर आएंगे तो बर्बाद हो जाओगे तो मतलब अंदर घुसते ही तुम टुकड़ों में बट जाओगे तो इतना उनका पावर उतना ज्यादा है हाँ Like, जितना ज़्यादा ज़्यादा एंटिटी है उतना जो है। उतना है का, का। एट, आ, जो का कैपेबिलिटीज होना होना चाहिए चाहिए कैपेसिटी वो का यानी वो बॉडी अगर आप एक नैनो में डाल दो तो वो कैरी नहीं कर पाएगा exactly. अभी जैसे जीसस के आ, उनके यंग एज में उनको जीसस क्राइस्ट क्यों नहीं बुलाते थे लोग शुरुआत से ही

हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी जीसस क्राइस्ट ने भी तो फिर उसके बाद उनको क्राइस्ट कॉन्शियसनेस पोजेस्ट हुआ उनको फिर उनके बाद वो बने जीसस क्राइस्ट वैसे ही हनुमान जी किसी के भी अंदर आ सकते हैं पोजेस्ट कर सकते हैं हनुमान जी हुँ. के कॉन्शियसनेस आ सकता है ठीक है अगर तुम बहुत ज़्यादा लॉयल हो बहुत ज़्यादा लाइक यू नो नॉन इंजरी लविंग काइंडनेस और नॉन इंजरी मास्टरी किया है तुमने हुँ. ऐसा नहीं कि सिर्फ करते हो मास्टरी किया यानी नेक्स्ट लेवल

बोल सकते हो कि एनलाइटन यस अ सोल रियलाइज्ड पर्सन तो यस yes, पॉसिबल okay, है ओके okay. परफेक्ट uh -huh. लेकिन जो टेंपल जो हाँ होता है वो नहीं वहाँ पर मतलब okay, कुछ लोगों में हो सकता है बट सब में तो नहीं हो सकता वो भी कुछ भी यानी वो भी यार किसी के रीइन्कार्नेशन होंगे वो हम जिनको खुद लॉर्ड हनुमान ने चूज किया है कि किसी रीजन से चूज किया है हाँ, कि मैं तुमको पजस करूंगा और यहां पर वो मिशन कंप्लीट करूंगा या जो भी है यहाँ hmm. पर वो आ, अपना जो भी काम है वो कंप्लीट करूंगा किसी में भी नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता ओके गॉड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड था आई फील और हम ज्यादा डेप्थ में जा सकते हैं प्रॉब्लली उसके लिए हम एक और पॉडकास्ट करेंगे बिल्कुल बट फॉर नाउ दिस वाज इन जनरल एक पैरानॉर्मल uh, एक्टिविटीज पे एक पॉडकास्ट आपके लाइफ को जानने के लिए एक पॉडकास्ट था सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस वन थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग Música